अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का प्रोग्राम एक्सपेरेंट्स यानी कुवतनुमा और लॉगरिदम से मुतालिक है। आज हम आपको एक्सपेरेंट्स और लॉगरिदम की चंद कवानीन और अमली ज़िंदगी में इनके इस्तेमाल के मुतालिक बताएंगे। इसके अलावा हम एंटी लॉगरिदम के बारे में भी जानेंगे। नाज़रीन, इनकी तफसील जानने से पहले हम चंद मिसालें देखते हैं जिनमें कुछ चीज़ों की वैल्यूज़ या तो बहुत बड़ी हैं या फिर बहुत ही छोटी। इस तरह की वैल्यूज़ हम एक्सपेरेंट्स और लॉगरिदम की मदद से मुख्तलिफ तरीक़ों से हल कर सकते हैं। बड़ी आदाद की मिसालों में हम अपनी ज़मीन से सूरज का फासला ले सकते हैं। हमारी ज़मीन से सूरज का फासला 14,88,00,000 किलोमीटर्स है। इसी तरह सूरज से प्लूटो का फासला 5,85,00,000,000 किलोमीटर्स है और दुनिया की आबादी तकरीबन 5 अरब है। इसी तरह छोटे आदाद की मिसाल में हम हाइड्रोजन के एटम के रेडियस को ले सकते हैं। हाइड्रोजन के एक एटम का रेडियस ये है, जो कि बहुत ही छोटी वैल्यू है। नाज़रीन, रियाजी में जहाँ इस बात का ख्याल रखा जाता है कि किसी मसले को मैथमेटिकल शक्ल में लिखने के तरीके इख्तियार किए जाएं, वहाँ ये कोशिश भी की जाती है कि हिसाब किताब के इस्तेमाल से जिन पेचीदा रुकूम से वास्ता पड़ता है, इन्हें लिखने के आसान तरीके इख्तियार किए जाएं। इन्हीं तरीक़ों में से एक तरीका एक्सपेरेंट यानी कुवतनुमा कहलाता है। जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है, कुवतनुमा या एक्सपेरेंट से मुराद है किसी अदद की कुवत या पावर। कुवतनुमा को समझने के लिए हम पहले एक छोटी सी मिसाल लेते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि हम ये कार्ड लेते हैं और इसे फोल्ड करके दोहरा कर लेते हैं, तो अब इसके दो पार्ट्स हो गए। इसी तरह इसको एक दफ़ा और फोल्ड करने पर हमारे पास अब 4 पार्ट्स मिलेंगे, 1, 2, 3 और 4। और अगर हम इसे तीसरी दफ़ा फोल्ड करें इस तरह से, तो अब हमें 8 पार्ट्स मिलेंगे, यानी 4 और 4। आपने नोट किया कि एक दफ़ा फोल्ड करने पर पहले 2 पार्ट्स हुए और फिर 4 और फिर 8। इसी तरह ये तादाद डबल होकर बढ़ती जाती है। अगर इन वैल्यूज़ को हम बोर्ड पर लिखें तो वो कुछ यूं बनेगी, 2, 4, 8 वगैरह। इन वैल्यूज़ को हम यूं भी लिख सकते हैं, 2 into 2 into 2 into 2 into 2 एक्सेट्रा, यानी ये होगा 2 पावर 1, फिर 2 पावर 2 और 2 पावर 1, 2, 3, सो वी हैव 2 पावर 3 एक्सेट्रा। इसकी जनरल वैल्यू कुछ यूँ बनेगी, 2 रेज़ टू पावर n, जबकि n कोई नेचुरल नंबर यानी कुदरती अदद है। और अगर हम कोई भी रियल नंबर a लें, यानी a रियल नंबर का एलिमेंट हो, तो इस सूरत में a की एक्सपोनेंट को हम यूँ लिखेंगे, a पावर n, जो कि बराबर होगा a into a into a, n टाइम्स जबकि n यहाँ भी नेचुरल नंबर है यानी कुदरती अदद है। मिसाल के तौर पर अगर हम ये वैल्यू लें 125, तो इसे हम यूँ लिख सकते हैं 5 into 5 into 5, जो के बराबर है 5 रेज़ टू पावर 3 के। ये तो थी पॉजिटिव एक्सपेरेंट्स, यानी किसी अदद की वो पावर्स जो के पॉजिटिव या मस्बत हैं। आइए अब हम नेगेटिव एक्सपेरेंट्स के बारे में जानते हैं। इसे हम बोर्ड पे समझते हैं। अगर n कोई नेचुरल नंबर हो और x कोई रियल नंबर, जबकि x नेट सिफर है, तो इस सूरत में x रेज़ टू पावर माइनस n बराबर होता है 1 ओवर x रेज़ टू पावर n के। मसलन,
अगर हम x की जगह 2 लें तो 2 raised to power minus 3 बराबर होगा 1 over 2 raised to power 3 के, जो के बराबर होता है 1 over 8 के। इसी तरह 10 raised to power minus 7 बराबर होगा 1 over 10 raised to power 7 के। ये बात आप नोट कर लें कि किसी भी हकीकी अदद a की पावर 0 हमेशा बराबर होती है 1 की, और a raised to power 1 हमेशा बराबर होगा a के, जबकि a कोई रियल नंबर यानी हकीकी अदद है। नाज़रीन, पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो एक्सपोनेंट्स को जानने के बाद अब हम आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स यानी एक्सपोनेंट्स के चंद कवानीन के बारे में बताते हैं। आइए इसे बोर्ड पे समझते हैं। अगर x कोई रियल नंबर हो जबकि x गैर सिफर है, और m और n दो नेचुरल नंबर्स यानी कुदरती आदाद, तो इस सूरत में एक्सपोनेंट का पहला लॉ है x पावर m इंटू x पावर n बराबर है x पावर m प्लस n की। यहाँ पर x बेस और m और n इसकी पावर या कुव्वत कहलाते हैं। यानी इस लॉ में बेस जब बराबर हो तो पावर्स जमा हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम x की जगह 2 लें तो फिर 2 पावर 3 इंटू 2 पावर 2 बराबर होगा 2 पावर 3 प्लस 2 यानी 2 पावर 5 के। एक्सपोनेंट का दूसरा लॉ ये है x पावर m ओवर x पावर n बराबर है x पावर m माइनस n के। यानी जब ये दो वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हों तो इस सूरत में इनकी पावर्स एक से दूसरी मनफी होती है। मिसाल के तौर पर अगर x 3 हो तो फिर 3 पावर 4 ओवर 3 पावर 2 बराबर होगा 3 पावर 4 माइनस 2 यानी 3 पावर 2 के। एक्सपोनेंट का तीसरा लॉ ये है x रेज टू पावर m होल रेज टू पावर n बराबर होता है x रेज टू पावर m इंटू n के। मिसाल के तौर पर 2 पावर 3 होल रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 3 इंटू 2 यानी 2 रेज टू पावर 6 के। नाज़रीन, एक्सपोनेंशियल फॉर्म साइंस की बहुत सी फील्ड्स मसलन बायोलॉजी, फिज़िक्स या केमिस्ट्री में इस्तेमाल होती हैं। मिसाल के तौर पर बायोलॉजी में बैक्टीरियाज़ की तादाद के बढ़ने की शरह को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाहिर कर सकते हैं। फर्ज कीजिए कि शुरू में बैक्टीरियाज़ की तादाद 1000 यानी 1000 है, और हर 24 घंटे बाद यानी एक दिन बाद उनकी तादाद दुगनी हो जाती है, तो फिर इस सूरत में हमें 10 दिन के बाद उनकी तादाद मालूम करनी है। तो ये हम एक्सपोनेंशियल की फॉर्म से मालूम कर सकते हैं। आइए इसे बोर्ड पे समझते हैं। अगर हम बैक्टीरिया की तादाद को पी नॉट से जाहिर करें तो पी नॉट बराबर होगा 1000 बैक्टीरियाज के। क्योंकि एक दिन के बाद इनकी तादाद दुगनी हो जाती है तो इस सूरत में पी वन बराबर होगा 2 टाइम्स पी नॉट के, जो कि बराबर है 2 इंटू 1000। अब दूसरे दिन ये तादाद भी दुगनी होगी, इस सूरत में पी टू बराबर होगा 2 टाइम्स 2 पी नॉट के, यानी इस तादाद का दुगना, जिसे हम लिख सकते हैं 2 पावर 2 पी नॉट। इसी तरह इन जनरल n डेज के बाद हमारे पास इनकी तादाद हो जाएगी 2 पावर n इंटू पी नॉट, जबकि n कोई नेचुरल नंबर है। और अगर हमने 10 दिन के बाद इसकी तादाद मालूम करनी हो, इस सूरत में हम पी टेन यहाँ से निकाल सकते हैं। पी टेन बराबर है 2 पावर 10 इंटू पी नॉट के, जो कि एक्सपोनेंट की फॉर्म में है।
एक्सपीरियंस की मदद से हम मुस्तकबिल में किसी मुल्क की आबादी भी मालूम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम ये जानना चाहें कि आइंदा 10 सालों में हमारे मुल्क की आबादी कितनी हो जाएगी, जो कि अभी 12 करोड़ है, तो फिर इस सूरत में हम एक्सपीरियंस फॉर्म में इसे मालूम कर सकते हैं। यानी अगर हमें ये मालूम हो कि हर साल हमारी आबादी में कितने फ़ीसद इजाफा होता है, तो फिर हम इस फॉर्मूले की मदद से हम आइंदा 10 सालों में आबादी मालूम कर सकते हैं। फर्स्ट कीजिए कि पी नॉट अभी की आबादी है यानी 12 करोड़, तो फिर पी टी यानी टी सालों के बाद की आबादी के लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। पी टी बराबर है पी नॉट इंटू ई रेज टू पावर के टी, जबकि टी टाइम और के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, जो कि यहाँ इस सूरत में उतने फ़ीसद आबादी के लिए इस्तेमाल होगा। यानी पी टेन 10 साल की आबादी फिर होगी पी नॉट इंटू ई रेज टू पावर 10 के। नाज़रीन, बिजनेस और इकोनॉमिक्स में भी कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह मालूम करने के लिए एक्सपोनेंशियल फंक्शंस इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पर कौमी बचत की एक स्कीम में 13% मुनाफा मिलता है। फर्ज कीजिए कि हम स्कीम में 100 रुपये लगाते हैं। अगर हम पी यानी प्रिंसिपल अमाउंट लें 100 रुपये और आर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो 13% यानी 0.13 और टी से ज़ाहिर करें टाइम को, ए टोटल अमाउंट हो और स्मॉल ए अमाउंट इन रुपीज़, तो इस सूरत में जब हम 100 रुपये जमा कराते हैं तो हमें 13 रुपये यानी 100 रुपये का 13% मुनाफा मिलता है। इस तरह से एक साल के बाद कुल रकम 113 रुपये हो जाती है। अब अगर इसी रकम यानी 113 रुपये को हम इसी स्कीम में लगाएं, तो इस सूरत में हमें 113 रुपये पे 13% मुनाफा यानी 14.69 रुपये मिलेगा। तो फिर इस सूरत में 2 साल के बाद कुल रकम 127.69 हो जाएगी। इसी तरह अगर हम इस रकम को दोबारा इसी स्कीम में लगाएं, तो फिर हमें इस रकम का 13% यानी 16.59 रुपये मुनाफा मिलेगा। इस सूरत में 3 साल के बाद कुल रकम 144.28 रुपये हो जाएगी। इसी तरह अगर हम चलते जाएं, तो हमें टोटल अमाउंट का ये फॉर्मूला मिलता है, ए इक्वल टू P into 1+R⁴ T, जो कि एक्सपेरेंट की फॉर्म में है। क्योंकि हमारे यहाँ डेसिमल सिस्टम यानी आशारी निज़ाम राइज है, इसलिए आम तौर पर हम कीमतों को 10 की पावर की शक्ल में एक ख़ास तरीके से लिखते हैं। मसलन 1 लाख के इस हिस्से को हम 10 की पावर में यूँ लिखते हैं 10⁵, क्योंकि यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 ज़ीरोज़ है। इसी तरह अगर हम ये रकम लें 3,975, तो इसे 10 की पावर में हम यूँ लिखेंगे 3.975 इंटू 10�³। यानी यहाँ पर हम पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज़ लेते हैं, इसलिए हमारे पास 10³ की वैल्यू आती है। और अगर हम ये वैल्यू लें 2.95, तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं 295/100, यानी पॉइंट हटाकर हम इसको 100 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ हैं। तो इसे हम 10 की पावर में यूँ लिख सकते हैं 295/10⁻², जो कि एक्सपोनेंट के लॉ से बराबर होगा 295×10⁻²-2। नाज़रीन, इस तरह से 10 की पावर की शक्ल में अदाद लिखने के तरीके को साइंटिफिक नोटेशन यानी साइंसी तरकीब कहते हैं। आइए इसकी चंद और मिसालें देखते हैं।
सूरज का अपने मरकज़ पर दर्जा हरारत 1,85,00,000 सेंटीग्रेड है, जो कि बराबर है 1.5×10^7 के। इसी तरह मरीख का सूरज से फासला 57,60,00,000 किलोमीटर्स है। साइंटिफिक नोटेशन में इसकी ये वैल्यू होगी 5.76×10^8 किलोमीटर्स। ये तो थी साइंटिफिक नोटेशन में आदाद लिखने की चंद मिसालें। आइए नाज़रीन, अब हम लॉगरिदम्स के बारे में जानते हैं। जिस तरह हमने आपको पाकिस्तान की आबादी की मिसाल दी थी कि अभी आबादी 12 करोड़ है, तो फिर हम एक्सपोनेंट्स की मदद से 10 साल बाद या फर्ज कीजिए 14 साल बाद ये मालूम कर सकते हैं कि पाकिस्तान की आबादी कितनी हो जाएगी। इसी तरह अगर हम वो अरसा मालूम करना चाहें कि कितने सालों बाद पाकिस्तान की आबादी फ़र्ज़ कीजिए 15 करोड़ होगी, तो इसके लिए हम एक और तरीका इस्तेमाल करते हैं। इस मेथड को लॉगरिदम्स कहते हैं। लॉगरिदम्स को इजाद करने का सेहरा मशहूर मुसलमान रियाजीदान मोहम्मद बिन मूसा अल-ख्वारज़्मी के सर है। उनके बाद जॉन नेपियर ने इसमें इस्तलाह की और लॉगरिदम के बहुत से नए तरीके इजाद किए। लॉगरिदम दरअसल एस्ट्रोनॉमी की कंप्यूटेशन के लिए इजाद हुआ था, मगर आजकल लॉगरिदम्स बहुत सी सोशल और साइंटिफिक फील्ड में इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पर जलजलों की इंटेंसिटी यानी उनके झटकों की शिद्दत मालूम करने के लिए लॉगरिदम्स इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह आवाज़ की लाउडनेस की पैमाइश के लिए भी लॉगरिदम इस्तेमाल होते हैं। तो आइए अब हम लॉगरिदम को डिफ़ाइन करते हैं। फर्ज कीजिए कि हम ये हकीकी आदाद लेते हैं ए, एक्स और वाई, जबकि ए पॉजिटिव है और 1 के बराबर नहीं है। अगर हम इन तीनों आदाद को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो वो यूं बनेगी a^y बराबर है एक्स के, और इसी को अगर हम लॉगरिदम फॉर्म में लिखें तो फिर इस सूरत में वाई बराबर होगा लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए। यहाँ आप ये बात नोट कर लें कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी ए बेस में है और वाई इसकी पावर है, और जब हम इसकी लॉग लेते हैं तो फिर वाई बराबर होता है लॉग ऑफ एक्स और ए इसकी बेस ही रहती है। मिसाल के तौर पर अगर हम ये अदाद लें 10^3 जो के बराबर है 1000 के, तो इस सूरत में इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म ये होगी 3 बराबर है लॉग ऑफ 1000 टू द बेस 10, यानी 10 यहाँ पर भी बेस है और यहाँ पर भी 10 उसकी बेस होगी। इसी तरह चूँकि 25 बराबर है 5 स्क्वायर के, तो इस सूरत में इस वैल्यू को लॉग की फॉर्म में यूँ लिखेंगे 2 बराबर है लॉग ऑफ 25 टू द बेस 5। नाज़रीन, ये बात आप नोट कर लें कि लॉगरिदम हमेशा मस्बत आदाद के ही लिए जाते हैं। किसी मस्बत अदद की लॉगरिदम निकालने के लिए हम लॉग टेबल इस्तेमाल करते हैं। लॉग टेबल्स 1964 में एक मैथमेटिशियन हेनरी ब्रिग्स ने इंग्लैंड में पब्लिश किए। हम आम तौर पर बेस 10 की लॉग टेबल इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आदाद का जो निज़ाम हम इस्तेमाल करते हैं वो बेस 10 की वैल्यू में होता है, यानी वो अशारी निज़ाम है। बेस 10 की लॉग को कॉमन लॉगरिदम यानी आम लॉगरिदम भी कहते हैं। अगर हम बेस 10 की वैल्यू लें तो आम तौर पर हम इसकी बेस को मेंशन नहीं करते। आइए अब हम कॉमन लॉगरिदम यानी बेस 10 की लॉग की एक मिसाल देखते हैं। फर्स्ट कीजिए कि हम ये वैल्यू लेते हैं एक्स इक्वल टू 10^y, तो इसे लॉग की फॉर्म में हम यू लिखेंगे लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 10 इक्वल टू वाई। और जैसा कि हमने बताया कि 10 की बेस को अक्सर हम जाहिर नहीं करते, तो
तो फिर ये वैल्यू इस तरह लिखी जा सकेगी, log of x is equal to y। ये तो थी बेस 10 में लॉगरिदम लेने की एक मिसाल। अब हम लॉगरिदमिक वैल्यूज़ में कैरेक्टरिस्टिक यानी खासा और मेंटिसा के बारे में जानते हैं। नाज़रीन, किसी अदद के लॉगरिदम में दो हिस्से होते हैं, एक उसका इंटीग्रल पार्ट यानी सही अददी हिस्सा और दूसरा उसका फ्रैक्शनल पार्ट यानी अशारी हिस्सा। मिसाल के तौर पर अगर हम ये वैल्यू लें, log of 835 equal to 2.9217, तो यहाँ पर 2 इसका इंटीग्रल पार्ट और 9217 इसका अशारी हिस्सा यानी फ्रैक्शनल पार्ट है। इस इंटीग्रल पार्ट को log का कैरेक्टरिस्टिक यानी खासा कहते हैं और इस फ्रैक्शनल पार्ट को log का मेंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक कभी मनफी या मुस्बत भी हो सकता है, लेकिन मेंटिसा हमेशा मुस्बत लिया जाता है। आइए नाज़रीन, अब हम किसी मुस्बत अदद की लॉगरिदम निकालने के बारे में जानते हैं। किसी अदद की लॉगरिदम निकालने के लिए हम पहले उसकी कैरेक्टरिस्टिक मालूम करते हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट कीजिए कि हमें इस अदद की कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू मालूम करनी है, तो पहले इसे हम 10 की पावर में लिखते हैं, यानी ये वैल्यू बराबर होगी 8.350 इंटू 10^3, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 हिस्से हैं, तो इस सूरत में इस वैल्यू की कैरेक्टरिस्टिक 3 होगी। कैरेक्टरिस्टिक निकालने का एक और तरीका ये है कि आप उस अदद के हिस्से गिन लें, मसलन इसमें 4 हिस्से हैं और उसमें से एक मनफी कर लें, तो फिर वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी, यानी 4-1=3। इसकी एक और मिसाल में हम ये वैल्यू लेते हैं 23.5। इसकी कैरेक्टरिस्टिक मालूम करने के लिए हम सिर्फ इंटीग्रल पार्ट को लेते हैं और फ्रैक्शनल पार्ट यानी अशारी हिस्से को नहीं लेते। तो चूंकि इसके इंटीग्रल पार्ट में 2 हिस्से हैं, तो फिर इस सूरत में इसकी कैरेक्टरिस्टिक 1 होगी, यानी 23.5 की कैरेक्टरिस्टिक बराबर होगी 1 के। नाज़रीन, ये तो था किसी अदद की लॉगरिदम निकालने के लिए उसकी कैरेक्टरिस्टिक मालूम करने का तरीका। आइए अब हम मेंटिसा मालूम करने के बारे में जानते हैं। फर्स्ट कीजिए कि हमने log of 5342 मालूम करना है। अब चूंकि इस अदद में 4 हिस्से हैं, तो फिर इस सूरत में इसकी कैरेक्टरिस्टिक 3 होगी, यानी 4-1। अब हम इसकी मेंटिसा निकालने के लिए लॉग टेबल का सहारा लेते हैं। पहले हम इस इंतहाई बाई जानब वाले कॉलम में 53 को तलाश करते हैं, फिर 53 की रो में और 4 की कॉलम में इस हिस्से को ट्रेस आउट करते हैं, जो कि 7275 है। अब 2 के डिफरेंस के लिए हम 53 की ही रो में यहाँ मीन वैल्यू में 2 की कॉलम में इस वैल्यू को लिखते हैं, जो कि 2 है, और इस 2 को पहली वाली वैल्यू में जमा करते हैं, तो हमें ये वैल्यू मिलती है 7275+2, जो कि बराबर है 7277 की। ये वैल्यू log of 5342 का मेंटिसा है। इस तरह अब मेंटिसा की वैल्यू ये हमें मिली 7277। नाज़रीन, मेंटिसा की वैल्यू को हम हमेशा पॉइंट में लिखते हैं, तो इस सूरत में अब log of 5342 की वैल्यू ये होगी 3.7277। नाज़रीन, अब हम आपको लॉज ऑफ लॉगरिदम यानी लॉगरिदम के चंद कवानीन के बारे में बताते हैं। लॉगरिदम का पहला लॉ ये है कि कोई से दो आदाद के ज़रबों का लॉग उन आदाद के लॉग की जमा के बराबर होता है, यानी अगर m और n तो मुस्बत आदाद हों, तो फिर
एम और एन के ज़रब की लॉग बराबर होती है लॉग ऑफ एम प्लस लॉग ऑफ एन। लॉग के दूसरे कानून के मुताबिक लॉग ऑफ एम ओवर एन बराबर होता है लॉग ऑफ एम माइनस लॉग ऑफ एन के। लॉग का तीसरा कानून ये है लॉग ऑफ एम रेज टू पावर एन बराबर होता है एन इंटू लॉग ऑफ एम, यानी यहाँ पर एम की जो पावर एन है वो इस साइड पर लॉग ऑफ एम से मल्टीप्लाई होती है। नाज़रीन, जिस तरह हम किसी मस्बत अदद की लॉगरिदम निकाल सकते हैं, इसी तरह अगर हमें लॉग की कोई वैल्यू दी गई हो तो फिर हम एंटी लॉग की मदद से वो अदद भी मालूम कर सकते हैं। तो आइए अब हम एंटी लॉगरिदम यानी ज़िद लॉगरिदम के बारे में जानते हैं। एंटी लॉगरिदम को जानने के लिए हम एक मिसाल की मदद से समझते हैं। फर्ज़ कीजिए कि हमें लॉग ऑफ वाई की वैल्यू दी गई हो 1.0423। तो इस सूरत पे वाई की वैल्यू बराबर होगी एंटी लॉग ऑफ दिस वैल्यू। एंटी लॉग निकालने के लिए हम यहाँ पर पॉइंट के बाद की वैल्यूज़ को कंसिडर करते हैं। इसके लिए पहले हम 0.04 को 2 में ट्रेस आउट करते हैं इस तरह से कि 0.04 की रो में और 2 की कॉलम में जो वैल्यू हमें मिलती है यानी 1102 उसे हम यहाँ लिख लेते हैं। अब यहाँ पर 3 के मीन डिफरेंस के लिए हम 0.04 की ही रो में और इस मीन डिफरेंस के कॉलम में 3 की वैल्यू को ट्रेस आउट करते हैं जो कि 1 है। इस 1 को हम पहली वाली वैल्यू में जमा करते हैं तो फिर हमें ये वैल्यू मिलती है 1103। अब y की वैल्यू को हम अशारिया के फॉर्म में लिखते हैं यानी 1.103 इंटू 10^1। ये 1 इस वजह से है कि यहाँ पर लॉग में इसकी कैरेक्टरिस्टिक 1 थी। तो फिर हमें y की वैल्यू ये मिलती है 11.03। नाज़रीन, आज हमने आपको एक्सपोनेंट्स, लॉगरिदम और एंटी लॉगरिदम के बारे में बताया और इनसे मुतालिक चंद कवानीन और अमली ज़िंदगी में इनके इस्तेमाल के बारे में मालूमात भी फराहम की। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। आगाज़ ज़िंदगी से इंसान की बुनियादी ज़रूरत खुराक और उसकी पैदावार है।
इंसानी खुराक की इस अहमियत ने मिल्कियत के निज़ाम को जन्म दिया। मिल्कियत के तसव्वुर में ज़मीन की अहमियत उजागर हुई। आहिस्ता आहिस्ता जब ज़मीन के मसाइल बढ़े तो इंसान को ज़मीन की तकसीम के लिए पैमाइश के तरीक़ेकार को अपनाने की राह इख्तियार करनी पड़ी। इस तरह मुख्तलिफ अशकाल पर मबनी एक नए इल्म की इब्तदा हुई। शुरू शुरू में इस इल्म को इल्म हिंसा कहा गया। इस इल्म के जरिए तरह से किसी शौरी कोशिश के बगैर ज्योमेट्री की इब्तदा हुई थी। लफ्ज ज्योमेट्री यूनानी जुबान से निकला है जिसके मानी है जमीन की पैमाइश करना। अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का प्रोग्राम रियाजी की एक अहम शाख ज्योमेट्री से मुतालिक है। आज हम आपको ज्योमेट्री के जिन बुनियादी तसव्वुरात के बारे में बताएंगे उनमें पॉइंट्स यानी नुकात, स्ट्रेट लाइंस यानी खत्ते मुस्तकीम और प्लेन्स यानी मस्तवी शामिल हैं। इसके अलावा हम मुख्तलिफ मिसालों की मदद से शुआओं और जावियों के बारे में बात करेंगे। नाज़रीन, ये तो आप जानते ही हैं कि इल्म रियाजी की अपनी एक मखसूस ज़बान होती है। ये ज़बान चंद रहनुमा उसूलों, कुछ फंडामेंटल टर्म्स यानी बुनियादी इस्तिलाहात और फंडामेंटल एग्रीमेंट्स यानी बुनियादी मफरूजाजात पर मबनी होती है। आम तौर पर किसी टर्म या इस्तिलाह के इस्तेमाल से पहले ही उसकी तारीफ बयान कर दी जाती है, लेकिन तमाम टर्म्स को डिफ़ाइन करना अमलन मुमकिन नहीं होता। ऐसी टर्म्स को बग़ैर तारीफ के ही रहने दिया जाता है। इनसे मुतालिक चंद ऐसे बयानात जो बग़ैर किसी सबूत के तस्लीम कर लिए जाएँ फंडामेंटल एग्रीमेंट्स यानी बुनियादी मफरूज़े कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर सूरज रोज़ मशरिक से निकलता है, ये एक बुनियादी मफरूज़ा है। इसी तरह रियाजी का इल्म जानने के लिए भी कुछ बुनियादी मफरूज़े दरकार होते हैं। ये मफरूज़े दो किस्म के होते हैं, एक तो वो जो इल्म रियाजी की तमाम शाखों में इस्तेमाल होते हैं, इन्हें एक्सियम्स या उसूल मुतआरफ़ा कहते हैं। दूसरी किस्म का ताल्लुक ख़ास तौर पर ज्योमेट्री से है, इन्हें पोस्टुलेट्स यानी उसूल मौजूआ कहते हैं। पोस्टुलेट्स ऐसे बयानात को कहते हैं जो बग़ैर किसी सबूत के तस्लीम कर लिए जाएं। मिसाल के तौर पर पानी हमेशा ढलवान की तरफ बहता है, ये एक पोस्टुलेट है। नाज़रीन, पोस्टुलेट्स का ताल्लुक ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स यानी बुनियादी तसव्वुरात से है। इन बुनियादी तसव्वुरात में जैसा कि हमने आपको पहले बताया, पॉइंट्स, स्ट्रेट लाइंस और प्लेन्स शामिल हैं। आइए पहले पॉइंट्स यानी नुक्तों के बारे में जानते हैं। पॉइंट्स की तारीफ या तशरीह तो नहीं की जा सकती, लेकिन इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि इसकी लंबाई, चौड़ाई या गहराई नहीं होती। पॉइंट को बनाने के लिए एक छोटी सी बिंदी या डॉट लगाया जाता है। आम तौर पर इसे ए, बी या सी के नाम दिए जाते हैं। आसमान पर बेशुमार सितारे नुक्तों की तरह नज़र आते हैं। इसी तरह रेत के ज़र्रात भी पॉइंट्स की तरह होते हैं। ज्योमेट्री में हर शक्ल को पॉइंट्स का सेट तसव्वुर किया जाता है, यानी ज्योमेट्री की हर शक्ल पॉइंट्स के मजमूए से जन्म लेती है। मिसाल के तौर पर आप इन अशकाल को मुलाहिजा करें तो मालूम होगा कि हर शक्ल लातादाद पॉइंट्स के आपस में मिलने से बनी है। मिसाल के तौर पर अगर हम इस तरह के लातादाद पॉइंट्स मिलाते जाएं, तो इस सूरत में हमें ये शक्ल मिलेगी। नाज़रीन, ज्योमेट्री में दूसरा बुनियादी तसव्वुर स्ट्रेट लाइन यानी खत्ते मुस्तकीम का है। खत की भी लुगवी तारीफ़ नहीं की जा सकती,
इसके बारे में यही कहा जाता है कि इसकी लंबाई लामहदूद होती है क्योंकि इसके एंड पॉइंट्स नहीं होते और इसकी चौड़ाई और गहराई नहीं होती। लाइंस यानी खतूत को छोटे हरूफ एल, एम, एन वगैरह के नाम दिए जाते हैं। अगर किसी लाइन एल में दो पॉइंट्स ए और बी शामिल हों तो उसे लाइन ए बी या बी ए बी कहते हैं। आइए अब इस पॉस्टुलेट पर गौर करते हैं। अगर कोई पॉइंट ए किसी लाइन एल में शामिल है तो हम कहते हैं कि पॉइंट ए लाइन एल पर वाक़या है या लाइन एल इस पॉइंट ए में से गुज़रती है। अब हम लाइन सेगमेंट यानी क़िता ख़त के बारे में जानते हैं। ये लाइन जो आप देख रहे हैं इसे लाइन सेगमेंट पी क्यू कहते हैं और इसे इस तरह से ज़ाहिर करते हैं। लाइन सेगमेंट या क़िता ख़त की तारीफ यूँ की जाती है कि ये एक ऐसा छोटे से छोटा फासला है जो दो पॉइंट्स को आपस में मिलाने का बायस बनता है। मिसाल के तौर पर अगर हम इस तस्वीर को से देखें तो मालूम होगा कि पॉइंट पी को क्यू से मिलाने के कई रास्ते हैं, लेकिन ये लाइन सेगमेंट पी क्यू सबसे छोटा रास्ता है। आइए अब हम लाइन से मुतालिक एक पॉस्टुलेट को समझते हैं। दो मुख्तलिफ नुकात से एक और सिर्फ एक ही खत गुजर सकता है, यानी यहाँ पर ये दो पॉइंट्स ए बी हैं और ये लाइन इन दोनों पॉइंट से गुजर रही है। दूसरे लफ्ज़ों में एक पॉइंट से तो बेशुमार खतूत गुजर सकते हैं, यानी यहाँ पर ये तमाम खतूत इस पॉइंट से गुजर रहे हैं, जबकि दो पॉइंट से एक और सिर्फ एक खत ही गुजर सकता है। अब हम पैरेलल लाइंस यानी मुतवाजी खतूत के बारे में बात करते हैं। पैरेलल लाइंस तो ऐसी लाइंस होती हैं जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, यानी उनका तकाते सेट खाली होता है। आइए इसके बारे में एक मिसाल देखते हैं। रेल की ये पटरियां आपस में मुतवाजी हैं क्योंकि ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। आइए नाज़रीन अब हम पॉइंट्स और लाइंस से मुतालिक चंद और डेफिनेशंस के बारे में जानते हैं। अगर दो से ज़्यादा पॉइंट्स किसी लाइन पर वाक़या हों तो उन पॉइंट्स को कोलिनियर पॉइंट्स या हमखत नकात कहते हैं। मसलन इस लाइन एल पर ये तमाम पॉइंट्स ए बी सी डी कोलिनियर पॉइंट्स या हमखत नकात हैं। इसी तरह हम एक और मिसाल लेते हैं। अगर हम ये लाइन सेगमेंट एल लें तो इस पर वाकया ये तमाम के तमाम कलर्ड पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स हैं। इसी तरह वो पॉइंट्स जो किसी लाइन एल पर वाकया ना हो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स यानी गैर हमखत नकात कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम ये लाइन एल लें तो ये तमाम पॉइंट्स पी क्यू आर एस टी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं क्योंकि वो इस लाइन एल पर वाकया नहीं है। आइए इसकी एक मिसाल देखते हैं। अगर हम इस सड़क को कोई लाइन एल तसव्वुर करें तो फिर ये तमाम की तमाम गाड़ियाँ नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बना रही हैं। कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को जानने के बाद अब हम प्लेन्स यानी मुस्तवी के बारे में बात करते हैं। नाज़रीन प्लेन से मुराद कोई हमवार सतह है। प्लेन्स की मिसालें आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में अक्सर मुलाहिज़ा करते रहते हैं। मिसाल के तौर पर बोर्ड की सतह या फिर आपकी किताब का सरवरक, कमरे की दीवारें या फर्श, ये तमाम
प्लेन्स की मिसालें हैं। प्लेन्स को आमतौर पर पी, क्यू और आर वगैरह के नाम से जाहिर किया जाता है। अगर कोई पॉइंट ए किसी प्लेन पी पर वाक़या हो तो हम कहते हैं कि पॉइंट ए प्लेन पी पे वाक़या है, या ये प्लेन पी पॉइंट ए में से गुज़र रहा है। मसलन ये कार एक प्लेन है, और फर्स्ट कीजिए कि ये पिन कोई पॉइंट ए है, तो अगर हम इसे यहाँ लगाएं तो इस तरह ये पॉइंट अब इस प्लेन पी में शामिल हो गया। आइए अब ज़रा उस पोस्टुलेट पे गौर करें जिसे हम प्लेन की डेफिनेशन के तौर पर भी लेते हैं। अगर किसी ख़त एल के दो नुकात ए और बी किसी मस्तवी पी पर वाक़या हों तो फिर सारा ख़त एल उस मस्तवी पर वाक़या होगा। मिसाल के तौर पर हम इस मेज़ को कोई प्लेन पी लेते हैं, और फ़र्ज़ कीजिए कि ये कोई लाइन सेगमेंट है जिसके एंड पॉइंट्स ए और बी हैं। अब अगर हम इन एंड पॉइंट्स को इस मेज़ पर रखें इस तरह से, तो आप देख सकते हैं कि सारी की सारी लाइन सेगमेंट ही इस प्लेन पी पर रखी गई है। ये तो थी लाइंस और प्लेन्स से मुतालिक चंद पोस्टुलेट्स। नाजरीन अब हम आपको रेज यानी शुआओं के बारे में बताएंगे। आप मुख्तलिफ़ किस्म की शुआओं से तो अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे, मसलन सूरज की शुआएँ, रोशनी की शुआएँ और आग की शुआएँ। आइए देखते हैं कि ज्योमेट्री में रेज से क्या मुराद है। रेज यानी शुआ एक ऐसी सीधी लकीर है जो किसी पॉइंट या ओरिजिन से निकलकर एक तरफ को बढ़ती है। फर्ज कीजिए ये कोई रे ए बी है, इसे हम अलामती तौर पर यूं लिखते हैं रे ए बी। फर्ज कीजिए ये कोई शुआ ए बी है जिसका एंड पॉइंट ए है, तो इस रे ए बी के एंड पॉइंट के अलावा बाकी तमाम नुकात के सेट को हाफ लाइन यानी निस्फ खत कहते हैं। यानी हाफ लाइन ए बी में ये पॉइंट ए शामिल नहीं होता, इसके अलावा बाकी ये तमाम पॉइंट्स का सेट हाफ लाइन बनाता है। नाजरीन अब हम ऑपोजिट रेज यानी मुखालिफ शुआओं के बारे में बात करते हैं। मुखालिफ शुआओं के लिए हम घड़ी की सुइयों की मिसाल ले सकते हैं। ठीक 6 बजे घड़ी की ये दोनों सुइयाँ दो मुखालिफ शुआएँ यानी ऑपोजिट रेज बनाती हैं। दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम ये रे ए बी और ए सी लें इस तरह से कि पॉइंट ए इनका कॉमन एंड पॉइंट यानी मुश्तरक सिरा हो, और ए बी और ए सी दोनों हम खत यानी कोलिनियर हो, तो फिर इस सूरत में रे ए बी और रे ए सी दोनों मुखालिफ शुआएँ कहलाती हैं। नाजरीन शुआओं को जानने के बाद अब हम एंगल्स यानी जावियों के बारे में बात करते हैं। एंगल या जाविया कोई से दो हम सिरा गैर हम खत शुआओं का यूनियन होता है। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ कीजिए कि ये दो शुआएँ हैं जो कि नॉन कोलिनियर यानी गैर हम खत है, और ये हम सिरा भी हैं यानी इनका कॉमन एंड पॉइंट ये है, तो इस तरह ये दोनों शुआएँ आपस में एक जाविया बना रही हैं। इसी तरह ये दोनों सड़कें भी आपस में एक जाविया बना रही हैं। यहाँ पर ये कॉर्नर इनका कॉमन एंड पॉइंट यानी मुश्तरक सिरा है। इस तस्वीर में दो शुआएँ ए बी और ए सी दिखाई गई हैं जो कि नॉन कोलिनियर यानी गैर हम खत हैं, और ये पॉइंट ए इनका मुश्तरक सिरा यानी कॉमन एंड पॉइंट है। इस तरह ये
ए बी यूनियन ए सी एक जाविया बना रही हैं। इसे एंगल बी ए सी या एंगल सी ए बी या सिर्फ एंगल ए कहते हैं। जाविये के लिए ये अलामत इस्तेमाल होती है। जिन रेज यानी शुआओं पर जाविया मुश्तमिल होता है इन्हें जाविये के आर्म्स यानी बाजू कहते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये रे ए बी और ए सी दोनों इस एंगल ए के आर्म्स यानी बाजू हैं। खड़ी की सुइयों पर भी इसी किस्म के आर्म्स बने होते हैं। मसलन यहाँ पर ये दोनों इस एंगल के आर्म्स हैं। इन रेज का मुश्तरक सिरा यानी कॉमन पॉइंट वर्टेक्स यानी रास कहलाता है। नाजरीन, हम जावियों की पैमाइश के लिए प्रोटेक्टर इस्तेमाल करते हैं जिस पर 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्रीज की मकदारें होती हैं। हर एंगल की मकदार 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्रीज तक होती है। मिसाल के तौर पर ये दोनों रेज ए बी और ए सी 90 डिग्रीज का एंगल बना रही हैं। यहाँ हम आपको ये बात बता दें कि जाविये की पैमाइश हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी घड़ी की मुखालिफ सिम्त की जाती है। अब हम आपको एंगल्स की चंद इकसाम के बारे में बताते हैं। अगर कोई एंगल 90 डिग्रीज से छोटा हो तो इसे अक्यूट एंगल या हादी जाविया कहते हैं। इसी तरह अगर कोई एंगल 90 डिग्रीज से बड़ा और 180 डिग्रीज से छोटा हो तो उसे ऑब्ट्यूस एंगल या मुनफरजा जाविया कहते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ ये दोनों शुआएं 90 डिग्रीज का एंगल बना रही हैं और इस एंगल को राइट एंगल कहते हैं। आइए अब हम सप्लीमेंट्री एंगल्स यानी सप्लीमेंट्री जावियों के बारे में बात करते हैं। अगर दो एंगल्स की मकदारों का मजमुआ 180 डिग्रीज हो तो ऐसे एंगल्स को सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। इनमें से हर एंगल दूसरे एंगल का सप्लीमेंट कहलाता है। मिसाल के तौर पर अगर हम ये दो एंगल्स ए और बी लें तो चूंकि मेजर ऑफ एंगल ए और मेजर ऑफ एंगल बी दोनों का मजमुआ 180 डिग्रीज के बराबर है तो इस तरह एंगल ए और एंगल बी सप्लीमेंट्री एंगल्स हुए। यहाँ पर एम से मुराद मेजर यानी पैमाइश है। आइए अब हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यानी कॉम्प्लीमेंट्री जावियों के बारे में बात करते हैं। अगर दो एंगल्स की मकदारों का मजमुआ 90 डिग्रीज हो तो उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। इस सूरत में एक एंगल दूसरे एंगल का कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। मिसाल के तौर पर अगर हम ये दो एंगल्स ए और बी लें तो चूंकि एंगल ए 30 डिग्रीज है और बी की मकदार 60 डिग्रीज है और इन दोनों की मेजर का मजमुआ 90 डिग्रीज है तो इस सूरत में एंगल ए और एंगल बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हुए। इसी तरह अगर दो एंगल्स के वर्टेक्स यानी रास मुश्तरक हो और दोनों में एक बाजू भी मुश्तरक हो तो वो दोनों एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स यानी मुतसल्ला जाविये कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये एंगल क्यू पी आर और एंगल आर पी एस दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं क्योंकि ये पॉइंट पी इनका कॉमन वर्टेक्स यानी मुश्तरक रास है। इसी तरह ये रे पी आर इनका मुश्तरक बाजू है। नाजरीन, अभी हमने आपको एंगल्स की चंद किस्मों के बारे में बताया। आइए अब हम कर्व्स यानी मुनहनी के बारे में जानते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि हम किसी प्लेन में ये दो पॉइंट्स ए और बी लेते हैं। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाला हर रास्ता
कर्व कहलाता है। मिसाल के तौर पर यहाँ लाइन सेगमेंट ए बी या ये कर्व ए सी बी या ए डी ई बी, ये तमाम के तमाम कर्व्स हैं। दूसरे लफ्ज़ों में उन तमाम पॉइंट्स का सेट जो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने के लिए बनता है कर्व कहलाता है। मिसाल के तौर पर ये सड़कें कर्व्स बना रही हैं, इसी तरह इस मस्जिद का गुंबद भी एक कर्व बना रहा है। आइए नाज़रीन, अब हम ओपन कर्व्स यानी खुले कर्व्स के बारे में जानते हैं। यहाँ पर ये कर्व बी सी और ये कर्व ए बी सी दोनों खुले कर्व्स कहलाते हैं। यहाँ हम आपको ये बात बता दें कि लाइन सेगमेंट ए बी भी ओपन कर्व की एक ख़ास किस्म है। आइए अब हम आपको सिंपल और नॉन सिंपल ओपन कर्व्स के बारे में बताते हैं। यहाँ आप इन दो कर्व्स को मुलाहिज़ा कीजिए। ये कर्व ए ओ बी किसी पॉइंट पर भी अपने आप को ख़ता नहीं कर रहा, जबकि कर्व सी ई एफ डी इन दो पॉइंट्स ई और एफ पर अपने आप को ख़ता कर रहा है। तो जो कर्व जो किसी पॉइंट पर भी अपने आप को इंटरसेक्ट ना करे सिंपल कर्व कहलाता है, और इसी तरह वो कर्व जो किसी पॉइंट पर अपने आप को इंटरसेक्ट करे यानी कता करे नॉन सिंपल ओपन कर्व कहलाता है। मिसाल के तौर पर ये तार एक सिंपल ओपन कर्व बना रहा है, और इसे अगर हम इस तरह फोल्ड करें तो अब चूंकि ये इस पॉइंट पे ख़ुद को इंटरसेक्ट कर रहा है तो इस सूरत में ये नॉन सिंपल ओपन कर्व बना है। नाज़रीन, ये तो थी सिंपल और नॉन सिंपल ओपन कर्व्स की चंद मिसालें। आइए अब देखते हैं कि क्लोज कर्व से क्या मुराद है। पहले इन मिसालों पर गौर कीजिए। फ़र्ज़ कीजिए कि हमारे पास ये एक कर्व है, इसी तरह हम ये कोई दूसरा कर्व लेते हैं। अगर हम इनसे रिलेटेड कर्व्स बनाएं, तो आप देख सकते हैं कि इन कर्व्स के सिरे जुड़े हुए हैं। ऐसे कर्व्स को यानी जिनके सिरे जुड़े हुए हों क्लोज कर्व्स यानी बंद कर्व्स कहते हैं। क्लोज कर्व को बनाने के लिए हम जिस पॉइंट से शुरू करते हैं उसी पॉइंट पे ख़त्म भी करते हैं। अगर हम कोई क्लोज कर्व इस तरह बनाएं कि वो किसी पॉइंट पे भी खुद को इंटरसेक्ट ना करे तो इस सूरत में वो कर्व सिंपल क्लोज कर्व कहलाता है। इसी तरह अगर कोई क्लोज कर्व इस तरह हो कि वो किसी पॉइंट पे खुद को इंटरसेक्ट करे तो वो नॉन सिंपल क्लोज कर्व कहलाता है। मिसाल के तौर पर ये एक क्लोज कर्व है, जबकि ये नॉन सिंपल क्लोज कर्व है क्योंकि ये इस पॉइंट पे खुद को इंटरसेक्ट कर रहा है। नाज़रीन, आज हमने आपको ज्योमेट्री के चंद बुनियादी तसव्वुरात मसलन पॉइंट्स, स्ट्रेट लाइंस, प्लेन्स और कर्व्स के बारे में बताया। हमें उम्मीद है कि आपको इन कॉन्सेप्ट्स को समझने में मदद मिली होगी। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।